किस किस को अपना टैक्स फाइल करना है इस साल। बहुत ही जरूरी चीज बताना चाहूंगा जो कि है वेलकम कनाडा। $4,500 आपको वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। और बातें करते हैं बाकी कि टैक्स कैसे सेव करना है। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप 2022 में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर वर्क परमिट पर भी कनाडा आए थे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेस के बारे में। तो बेसिकली यार हम बात करेंगे कि कनाडा के अंदर टैक्सेस आपको कब, कहां और कैसे फाइल करने हैं, लोगों के माइंड में क्या क्या मिथ्स वगैरह होते हैं टैक्सेस को लेके वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट से आप किस तरीके से फ्री में डॉलर्स ले सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ किस तरीके से आप टैक्सेस सेव कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम टैक्सेस के बारे में बात करते हैं, आपको थोड़े से फ्री डॉलर्स दिलाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बाकी यार आज संडे है और जैस्मिन जी का गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो उनकी बात को तो मना करा नहीं जा सकता, सारी की सारी इच्छाएं उनकी पूरी करनी पड़ेगी। और जो मौसम है आज बहुत ही बढ़िया हो रखा है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर है, स्नो गिर रही है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, मतलब मेरे को स्नो में अच्छा लगता है। तो चलते हैं और सारी की सारी टैक्सेस के बारे में बातें करते हैं। हाँ जी, तो यार सबसे पहला जो डाउट है काफ़ी सारे लोगों का वो ये है कि भी कनाडा के अंदर टैक्स फाइल तो करना है लेकिन करना कब है, जो टैक्स का सीज़न है वो स्टार्ट कब होता है। तो बेसिकली यार जो टैक्स का सीज़न है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो 20th February को स्टार्ट हुआ था, और जो टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट है वो है 31st of April। तो इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको अपना टैक्स फाइल करना होता है। अगर आप लेट भी कर देते हो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि आपको रिफंड आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, तो बेटर है कि आप 31st of April से पहले पहले अपना टैक्स फाइल कर दो। और आई थिंक हर साल 20 फरवरी से लेकर 31st of April को आपको अपना टैक्स फाइल करना होता है, तो ये सिस्टम है। अब यार अगली जो कि बहुत ही जरूरी या फिर इंपॉर्टेंट या फिर आइल्स बैंड एड के हिसाब से इंडिस्पेंसेबल चीज है वो ये है कि भाई किस किस को अपना टैक्स फाइल करना है इस साल। तो बेसिकली यार अगर आप 31st of December 2022 वाले दिन या फिर उससे पहले कनाडा आए थे, अपना सिन नंबर वगैरह ले लिया था, अपने आपको रजिस्टर कर लिया था यहाँ कनाडा के अंदर एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट, तो इस साल आपको अपना टैक्स फाइल करना है। चाहे आपने बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाए थे, आपने कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं की, आपने कोई फुल टाइम जॉब नहीं की, आपकी जो इनकम थी वो $0 थी, फिर भी इस साल आपको अपना टैक्स फाइल करना है, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट देती है आपको, फ्री में कुछ डॉलर्स देती है, उसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस साल टैक्स फाइल नहीं करोगे तो उन चीज़ों को इस साल के लिए आप मिस कर दोगे, तो डेफिनेटली आपको अपना टैक्स फाइल करना है। बाकी फ्री में डॉलर्स कैसे मिलते हैं उसके बारे में आगे जाके बात करते हैं किचनर डाउनटाउन। और बाकी यार ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने 2022 में कोई जॉब की थी, कोई पार्ट टाइम जॉब, कोई फुल टाइम जॉब या फिर कुछ भी किया था और कोई इनकम अर्न की थी कनाडा के अंदर, तो आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करना ही है, क्योंकि बढ़िया सा आपको रिफंड मिलेगा ना। और बाकी अभी मैं खड़ा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के कैंपस पे, तो काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई मेरे को कंप्यूटर साइंस करनी है, डेटा एनालिटिक्स या फिर मशीन लर्निंग, ये सारा सुधा पढ़ना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू लाइक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड से हो। तो अगर कोई बंदा देख रहा है जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से पढ़ाई की है और किचनर वाटरलू में रहता है, तो प्लीज़ कमेंट करना, मेरे को इसका प्रॉपर टूर बनाना है और मेरे को बताना, तो टूर वगैरह बनाएंगे आप लोगों को, सारा हिसाब किताब दिखाएंगे। अगर काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भी किचनर वाटरलू और कैम्ब्रिज के एरिया में दो ही इंस्टीट्यूशंस हैं, एक हो गया कॉनेस्टोगा कॉलेज और एक हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि एक और यूनिवर्सिटी है वाटरलू के अंदर जिसका नाम है विल्फर्ड लॉरिए यूनिवर्सिटी, जो आप पीछे बिल्डिंग देख सकते हो ना उसी यूनिवर्सिटी की है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछते रहते हो, तो उनसे तो बेटर ही है यूनिवर्सिटी। तो आप रैंकिंग चेक, रैंकिंग और सारे कोर्सेज वगैरह क्या कराए जाते हैं सारी डिटेल ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। एक वेबसाइट है webometrics.com नाम की वेबसाइट, तो उस पर जाके आप यूनिवर्सिटी इसकी रैंकिंग देख सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये यूनिवर्सिटी है इसके अंदर भी पढ़ सकते हो। बाकी यार ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि भी कनाडा के अंदर टैक्स फाइल कब करना होता है, टैक्स का सीजन कब होता है, लेकिन कैसे फाइल करना है उसके बारे में अभी आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली यार कनाडा के अंदर आप खुद से भी आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसी प्रोफेशनल के पास ही जाना है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप परचेस कर सकते हो, अगर आपको ढंग से नॉलेज है, सारी चीज़ों के बारे में पता है, तो आप खुद से अपना टैक्स फाइल कर सकते हो। एक दो वेबसाइट भी हैं जहाँ पे जाके आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हो। बाकी मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता कि पहले 2 या 3 साल आप खुद से अपना टैक्स फाइल करो, या फिर अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब करते हो या फिर कोई फ्रीलांसिंग करते हो या फिर कोई बिजनेस वगैरह करते हो, तो खुद से अपना टैक्स फाइल करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे तो वो ढंग से आपका टैक्स फाइल करेगा। फॉर एग्जांपल टोरंटो टैक्स बुटीक नाम की एक कंपनी है जो कि स्टूडेंट्स के लिए या फिर परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए या फिर वर्क परमिट वालों के लिए बहुत अच्छे तरीके से टैक्स फाइल कराते हैं। मैं खुद से उनसे 2 साल से अपना टैक्स फाइल करा रहा हूं। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मेरे को बहुत कंफ्यूजन थी कि किस तरीके से मेरे को सारे एक्सपेंसेस वगैरह दिखाने हैं, क्या हिसाब किताब है, तो मानव ने और करिश्मा ने मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया था। इजीली मैंने अपना टैक्स फाइल कर दिया था और बहुत ही बढ़िया सा रिफंड भी आया था, जिसके हमने गोलगप्पे खाए थे और मजे मारे थे, ट्रिप भी प्लान कर ली थी, तो ये हिसाब किताब है। तो टोरंटो टैक्स बुटीक वालों का जो नंबर है, जो वेबसाइट है, जो इंस्टाग्राम हैंडल है, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं पर्सनली 2 साल से उनसे अपना टैक्स फाइल करा रहा हूँ, मेरे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है, सारा हिसाब किताब बढ़िया रहा है। बाकी अब आगे निकलते हैं और आपको सारा हिसाब किताब किचन और वाटरलू का दिखाते हैं और गोलगप्पे भी खाने चलते हैं ना, वो भी करना है।
हाँ जी, तो अब हम आगे हैं किचनर के डाउनटाउन एरिया में, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहाँ जाके बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब है, आगे आप लोगों को भी दिखाते हैं और एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हाँ जी सर, अब हम बैठे हुए हैं किचनर के डाउनटाउन एरिया में, और पीछे जो आप एक ग्रे कलर की बिल्डिंग देख सकते हो, ये है किचनर का सिटी हॉल। तो बेसिकली कोई भी सरकारी काम कराना है या फिर अपने पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा लगवाना है तो एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर चाहिए होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के, तो यहीं से करवाते हैं। और पीछे प्रॉपर आइस रिंक बनी हुई है, अगर आपके पास आइस वाले वो स्केटिंग वाला हिसाब किताब है तो आप यहाँ पर आके आइस स्केटिंग भी कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि है वेलकम कनाडा। तो बेसिकली यार, वेलकम कनाडा जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेलकम कनाडा कैसे मिलेगा, कितने पैसे आते हैं, क्या हिसाब किताब होता है, तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है, मेरे को नहीं पता कैसे स्प्रेड हुआ है, लेकिन वेलकम कनाडा जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप लो इनकम ब्रैकेट में फॉल करते हो, एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट में अगर आप फॉल करते हो, तो गवर्नमेंट जो है ना, कैनेडियन गवर्नमेंट आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है। उनमें से तीन बेनिफिट ये हैं कि ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट या फिर क्लाइमेट इंसेंटिव बेनिफिट, और साथ के साथ GST रिटर्न्स आते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये वेलकम कनाडा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 28th ऑफ दिसंबर वाले दिन कनाडा आए थे या फिर उससे पहले आप कनाडा आए थे और आप अपना इस साल अपना इनकम टैक्स फाइल करते हो, तो आपको ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट या फिर क्लाइमेट इंसेंटिव बेनिफिट के 450 अप्रॉक्सीमेटली डॉलर्स ईच मिलेंगे, और साथ के साथ जो आपका GST रिटर्न होगा वो आपको हर एक क्वार्टर में मिलेगा। मतलब जो भी 400-450 डॉलर आपको GST रिटर्न आना होगा, वो हर क्वार्टर में डिवाइड होकर, मतलब हर क्वार्टर में 100 डॉलर आएंगे। तो ये हिसाब किताब होता है। तो वेलकम कनाडा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आपको ये सारे रिटर्न आते हैं, और जब तक आप लो इनकम ब्रैकेट में रहोगे, हर साल आपको ये सारे रिटर्न्स वगैरह या बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे अगर आप अपना टैक्स फाइल करो। इसलिए अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल, भाई साहब मेरे को तो ठंडा बड़ा लग रहा है इसमें, तो बेसिकली अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अपना टैक्स वगैरह फाइल करते हो, तो आप अपने ट्यूशन क्रेडिट्स भी क्लेम कर सकते हो। तो जो भी आप अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट कराते हो, अप्रॉक्सीमेटली उसका 15% तक का अमाउंट आप एज अ रिफंड वापस ले सकते हो। तो हर साल अपना टैक्स फाइल करो और उसके जो ट्यूशन के क्रेडिट्स होंगे वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, और जब आपकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, तो फॉर एग्जाम्पल आपने $30,000 अपनी फीस डिपॉजिट कराई थी, तो उसका 15% मतलब $4,500 आपको वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके बारे में अगर आप और समझना चाहते हो क्या हिसाब किताब होता है, कैसे करना है, तो उसके लिए आप टोरंटो टैक्स बुटीक वालों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो मानव है बहुत बढ़िया तरीके से आपकी हेल्प करेगा। बाकी यार, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहली बार मैं किचनर के डाउनटाउन में आया हूँ, क्योंकि हमारे पास गाड़ी गुड़ी थी नहीं, बस में आने में आलस होता था, तो पहली बार हम किचनर डाउनटाउन में आया तो देख के हैरान हो रहे हैं, स्टारबक्स कितना बढ़िया लग रहा है, ये कितना बढ़िया लग रहा है, लाइटें कितनी बढ़िया लग रही हैं, आइस स्केटिंग हो रही है, तो मैं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बाकी आगे चलते हैं और बातें करते हैं बाकी कि टैक्स कैसे सेव करना। तो बेसिकली यार, सबसे पहला जो तरीका है टैक्स सेव करने का, वो ये है कि अगर आप कनाडा के अंदर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते हो, फॉर एग्जांपल आप ऊबर डिलीवरी करते हो या फिर ऊबर ड्राइवर करते हो या फिर डोडैश हो गया, स्किप द डिशेस हो गया, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते हो, आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप ये सब करते हुए जो भी आपके खर्चे होते हैं, जैसे गाड़ी का पेट्रोल हो गया या फिर आपने डेस्क खरीदा, मॉनिटर खरीदा, माउस खरीदा, खाने पीने का खर्चा डिलीवरी वगैरह करते हुए, गैस का खर्चा हो गया, गाड़ी रिपेयर करानी थी, तो बहुत सारे आप ऐसे एक्सपेंसेस वगैरह शो करके अपना टैक्स सेव कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने $10,000 कमाए अपना ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब करके या फिर अपनी डिलीवरी वगैरह करके, जैसे भी फ्रीलांस करके आपने $10,000 अर्न किए, उसमें से मान लो कि $6,000 आपका एक्सपेंस ही चला गया, कि भाई टेबल खरीद लिया, गाड़ी का खर्चा हो गया, गैस का खर्चा हो गया, सारे एक्सपेंसेस मिला के आपके $6,000 हो गए, तो आपको $10,000 पे अपना टैक्स नहीं देना होगा, आपको सिर्फ $4,000 पे अपना टैक्स देना होगा, जो कि काफी कम होगा। तो इस तरीके से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो। और अगर आप कनाडा के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं करते या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं करते या फिर कोई भी आप फ्रीलांसिंग वगैरह नहीं करते, नॉर्मल एक फुल टाइम परमानेंट जॉब करते हो, तो उस केस में अगर आपको टैक्स बचाना है तो उसका हिसाब किताब होता है RRSP, जिसका मतलब होता है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी पिछले साल टोटल सैलरी थी $50,000, तो आप मैक्सिमम 18% अपनी सैलरी का RRSP में डाल सकते हो। तो अगर आपने $50,000 कमाए थे तो उसका 18% कितना हो गया, 100,000 का होता है 18,000, तो 50,000 का हो जाएगा 9,000, तो $9,000 आप अपने RRSP में डाल सकते हो, तो आपको $50,000 पे टैक्स नहीं देना होगा, आपको सिर्फ $41,000 पे टैक्स देना होगा। और अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो, जैसे कि $100,000 या फिर $150,000, तो उस केस में तो भैया बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब रहता है, 18% बहुत ही बड़ा चंक हो जाता है और बहुत सारा टैक्स आपका सेव होता है। और अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो उस केस में टैक्स कैसे बचाना होता है, उसके बारे में वहाँ जाके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खड़ा मैं बोर हो गया हूँ यार। तो बेसिकली यार, अगर आप
कनाडा के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स खरीद लें या फिर ETF वगैरह खरीदना चाहते हो, तो उस केस में यार आप दो अकाउंट को यूज़ करके ये काम कर सकते हो। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। अब इसके बारे में मैंने अच्छे से आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो आप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप $100 अपने पर्सनल अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो और वो इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब स्टॉक बढ़ जाता है और एक साल बाद उसकी वैल्यू हो जाती है $110, तो देखा जाए टेक्निकली तो आपको $10 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन पर्सनल अकाउंट में आपने इन्वेस्ट किए थे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्स है वो है 30%, तो आपको $3 टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन के ऊपर और आपके $7 आपके हो जाएंगे। लेकिन वही $100 अगर आपने TFS अकाउंट में डाले होते तो वो जो 10 के $10 थे वो आपके होते, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो TFSA का हिसाब किताब होता है, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिट होती है $6,500 पर annum। ऐसा नहीं है कि $50,000 आप TFSA में डाल दोगे वही साहब मजा ही हो जाएंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें $6,500 की एक लिमिट होती है हर साल की, जो कि हर साल ऐड होती रहती है। वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, जो लिंक में डालूंगा मैं, तो ये हिसाब किताब है। बाकी एक लास्ट चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले गोलगप्पे खाएंगे। और यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, तो बेसिकली कनाडा के अंदर आपने कोई भी वर्क फ्रॉम होम किया है तो उस केस में जो भी घर पे काम करने के लिए आपने इक्विपमेंट वगैरह यूज़ किया, टेबल हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके भी आप क्लेम वगैरह कर सकते हो, बेनिफिट्स वगैरह ले सकते हो। उसके बारे में आप जहाँ से भी अपना टैक्स फाइल कराते हो, चाहे टोरंटो टैक्स बुटीक से कराते हो या फिर कहीं से भी कराते हो, उनसे आप पूछ सकते हो गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल बेनिफिट निकाला था कोविड के टाइम पे, शायद अभी भी चल रहा है, तो आप पता कर सकते हो। बाकी अब निकलते हैं अपना सौदा। तो ये जो कांच के दरवाजे आपको दिख रहे हैं, आई थिंक यही एंट्री है कॉनेस्टोगा के किचनर वाले डाउनटाउन कैंपस की, तो ये हिसाब किताब है। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं राजधानी रेस्टोरेंट फिर से गोलगप्पे खाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ के गोलगप्पे मेरे को बहुत ही स्वाद लगते हैं और सस्ते ही बड़े हैं। बाकी अंदर चलते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। और यहाँ पे खड़ी है ग्रे कलर की बड़ी ज़बरदस्त मर्सिडीज और यहाँ पे खड़ी है काले रंग की रेंज रोवर। तो बेसिकली यार कोई भी ऐसी जगह पे आओगे ना, जैसे कि देसी रेस्टोरेंट हो गया या फिर कोई भी देसियों से रिलेटेड चीज़ होगी, तो वहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखेंगी। तो ये हिसाब किताब होता है, मतलब गलत सेंस में मत लेना, ऑफेंड मत होना, लेकिन होता है ऐसा। हाँ जी, तो हमने गोलगप्पे वगैरह खा लिए हैं, बहुत ही स्वाद, और लोगों की प्लेट में पड़े हुए स्प्रिंग रोल देख के हमारा ही मन कर गया था, तो हमने स्प्रिंग रोल भी खा लिए और मैंगो शेक भी पी लिया। तो खाना पीना बढ़िया हो गया हमारा और साथ के साथ अंधेरा भी हो गया। और अंदर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी मिले, वो कह रहे थे कि भी आपकी गाड़ी वाली वीडियो, जब आपने गाड़ी वगैरह खरीदी थी तो आप इस रेस्टोरेंट में आए थे, तो वही देख के हम आए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ राजधानी वालों को बोलो, आप सब मिलके बोलो कि भाई 10% रेवेन्यू मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि इनडायरेक्टली मैं कस्टमर ला के दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये हिसाब है। बाकी मैं आप लोगों को लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ टैक्सेस से रिलेटेड ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्यूबेक के अंदर रहते हो, मतलब मॉन्ट्रियल में पढ़ रहे हो या फिर क्यूबेक के अंदर कहीं भी आप रह रहे हो, वहां के रेजिडेंट हो, तो आपको दो अलग अलग टैक्सेस फाइल करने होंगे। फेडरल का अलग होता है, प्रोविंशियल का अलग होता है, क्योंकि क्यूबेक का अपना अलग ही हिसाब किताब चलता रहता है, ठीक है? तो ये सिस्टम है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है टैक्सेस से रिलेटेड तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो या फिर टोरंटो टैक्स बुटीक वालों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो तो आपकी हेल्प कर ही देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, हमेशा की तरह स्टे हेल्दी एंड मेहनत करते रहो, कीप हसलिंग। चलो भाई।